एवरी वन थिंग्स दैट बिकम विजिबल वेन वी टेक अवर आईज ऑफ गोल्स इज ट्वेंटी डिस्कशन टॉपिकों केन डू इट और इसमें आता है सेल्फ डाउट बट अगर हम कॉन्फिडेंस रखते हैं तो हम बोलेंगे आई विल डू इट सी Don't wait until everything is just right. It will never be perfect. Perfection is a myth. There will always be challenges, obstacles, and less than perfect conditions. So, what? Get started now. With each step you take, you will grow stronger and stronger, more and more skilled, more and more self confident, and more and more successful. Begin. Study full throttle. अभी भी बहुत टाइम है आज 20 अप्रैल ही हुआ है 28 मई को एग्ज़ाम है हमारे पास 30, पैंतीस चालीस दिन है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए अभी पॉलिटी वीक चल रहा है हम सारा बहुत रेगुलरली सारी लाइव क्लासेज में चीज़ें कवर कर रहे हैं जैसे मॉर्निंग 11 ए एम पे रिवीजन क्लास है और 9 पी पे टेस्ट सीरीज क्लासेस सी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है वो आइसोलेशन में सेल्फ स्टडी से सारी चीज़ें कर लेंगे बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली ऐसा नहीं होने वाला है हमको एक ग्रुप एक डायरेक्शन एक पेयर की ज़रूरत पड़ती है यूपीएससी की प्रिपरेशन आइसोलेशन में नहीं होती है अदरवाइज हम साइडवेज चले जाते हैं या फिर हमें सेल्फ डाउट्स होता है या फिर ये हमें मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब भी करता है जब हम ग्रुप में एक साथ रहकर डिस्कशन करते हैं डायरेक्टेड वे में हमारे एफर्ट्स पुट करते हैं तो बेहतर पढ़ाई होती है सो अटेंड दीज लाइव क्लासेस ओनली और ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपका एक रूटीन बनेगा डिसिप्लिन बनेगा और पढ़ाई ऑन ट्रैक रहेगी क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है ओके

आपको आज एक नोट तैयार करना है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख डू इट ऑन डेली बेसिस आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख मैप सीरीज भी चालू हो गया है मैप सीरीज के आज मैंने टेन मैपिंग के पॉइंट सेंड किए हैं टेलीग्राम पे हैलो Then prepare a note on the India UAE relations. This is also very very important. UAE Arab countries bahut important hai so बहुत aap submit bhi इनको आप aapko भी करिए rahega आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स इन द न्यूज जैसे एक वर्ड होता है ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है फॉल्स अनसबस्टेंशिएटेड और आउटराइट मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना रिगार्डिंग बिजनेस ऑपरेशन जो कि ग्रीन है वी कैन से एनवायरमेंट फ्रेंडली है sustainable है सस्टेनेबल लाइक दैट तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है आपके पास एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है बट आप एक्स्ट्रा जॉब भी कर रहे हो विदाउट द एम्प्लॉयर्स नॉलेज तो इसको मून लाइटिंग बोलते हैं डिजिटल नोमैट वो होते हैं जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया है आप लोकेशन इंडिपेंडेंट हो आप कहीं पर भी से अपना काम कर सकते Location independent हो लोकेशन इंडिपेंडेंट हो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लाइफ है आपकी इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो यू आर नॉट बाउंड टू वन जियोग्राफिकल एरिया सो दीज आर कॉल्ड डिजिटल नोमैड्स यूनिकॉर्न वो होते हैं जिनका वैल्यूएशन वन बिलियन हो गया है स्टार्टअप यूनिकॉर्न ये वेंचर कैपिटल बैग्ड स्टार्टअप्स हो सकते हैं डिपॉजिट मेड टू अलर खरीदते वक्त वर्ड हैल इसका मतलब है इट रेफर्स टू अ गैप इन अमेरिकन फेडरल एंड स्टेट गन लॉज दैट अलाउज एक्सेस टू गन्स बाई डेटिंग अब यूजर्स दिस इज एक्चुअली अमेरिका में ये जो गन कल्चर है ये टॉक्सिक लेवल तक पहुंच गया है और इस पर काफी डिबेट्स भी चल रही है गन कल्चर जॉम्बी आइस वो आइस होती है इट इज नॉट वन दैट इज नॉट अक्यूमलेटिंग फ्रेश स्नो इवन वेल इवन वेल कॉन्टिन्यूइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट आइस शीट सो द पॉइंट इज ये एक बड़ी आइस शीट है जॉम्बी आइस इससे अटैच है बट इसमें फ्रेश स्नो नहीं आ रही है तो ये अब जॉम्बी आइस बन गई इट इज अटैच बट नॉट गेटिंग फ्रेश आइस स्नो क्रिप्टो जैकिंग साइबर अटैक होता है कंप्यूटिंग डिवाइस हाईजैक हो जाती है कंट्रोल्ड बाय अटैकर रिसोर्सेज होते हैं वो यूज होते हैं टू माइन क्रिप्टो करेंसी टोकनाइजेशन रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स है आप अपने जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है उसके डिटेल्स शेयर नहीं करने आप टोकनाइजेशन से उसे जो सर्विसेज है अवेल कर सकते हैं तो इससे आपकी प्राइवेसी और कार्ड रिलेटेड फ्रॉड्स भी हम बच सकते हैं है ज द टर्म रिलेटेड टू फोर मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज सच इज हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन एलियन स्पीशीज इन्वेजन को एक्सटेंक्शन एंड ओवर एक्सप्लाइटेशन इम्यून इम्प्रिंटिंग बॉडी की टू रिपीट इट्स इम्यून बेस्ड ऑन द फर्स्ट वेरिएंट जैसे पहली बार हुआ, अब जब बाद में होगा, तो हमारी बॉडी उससे वेल प्रिपेयर होगी बॉडी इज वेल प्रिपेयर रेड नोटिस इश्यू होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का वर्ल्ड वाइड टू अरेस्ट पर्सन पेंडिंग एक्सट्राडिशन सरेंडर और सिमिलर लीगल एक्शन ियर दिस इज वॉरियर डिप्लोमैसी ये एक एग्रेसिव और कंफ्रंटेशनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो अक्सर चाइनीज डिप्लोमेट्स में देखने को मिला है दिस इज वोल्फ वॉरियर डिप्लोमैसी ब्लैक स्वान इवेंट एक रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है वी कैन से वंस इन अ ब्लू मून सो दिस इज ब्लैक स्वान इवेंट तो ये कुछ वर्ड है जैसे ब्लैक स्वान इवेंट वर्ड वॉरियर डिप्लोमेसी रेड नोटिस इम्यून इम्प्रिंटिंग इल क्वाटेट टोकनाइजेशन क्रिप्टो जैकिंग जॉम्बी आइस बॉयफ्रेंड लूपोल डिजिटलेशन है टू एज अड ऑफ चाइना बाई मिड टू थाउजेंड ट्वेंटीड नेशन ने का तो दिस इज द हिंदू न्यूज ये जो फर्स्ट हेडलाइन है वो है केरला में हम देखेंगे ऑन अव बैट्स बस्ट Myths, India -China talks will और चाइना एक सौ बयालीस दशमलव पांच सात करोड़ है तो कॉन्ट्ररी टू अलार्मेल्स पॉपुलेशन ट्रेंड अभी स्लो भी हो रहा है सोसाइटी एज भी हो रही है फैमिली प्लानिंग के जो टारगेट है पॉपुलेशन का बहुत जल्दी पीक आने वाला है देन देर इज गोइंग टू बी अ डिक्लाइन प्रोबेबली सडन डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ये टोटल फर्टिलिटी रेट है जिसे इंडिया की अभी टू तक पहुंच गई है और जो टू रिप्लेसमेंट लेवल कहलाता है तो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया टू पॉइंट नाइन पीपल मोर देन चाइना इंडिया हो गया है और चाइना की फर्टिलिटी रेट भी कम है ब्रिक्स में भी फर्टिलिटी रेट कम हुई है इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी ग्रो होगी बट

एंड दिस uh, तंजानिया एंड टू थर्ड पीपल जो होंगे वो लाइफ टाइम फर्टिलिटी करस्पॉन्ड विध जीरो ग्रोथ भी हो सकता है सो so, ये पॉपुलेशन के नंबर हैं अब लेट एस सी प्रडिक्शन इज डिफिकल्ट बट पॉपुलेशन बहुत जल्दी स्टेबलाइज होने वाली है सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एंड मोर एज एप्रोप्रिएट रेटिंग्स होगी फॉर फिल्म्स सून तो कैबिनेट ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया है इसमें हार्शर पनिशमेंट्स हैं फॉर फिल्म पायरेसी न्यू एज कैटेगरीज भी होगी कैटेगरीज मतलब फिल्म्स की कैटेगरी होती है जैसे 14 प्लस है या फिर यूनिवर्सल है या फिर वो एडल्ट है लाइक like दैट तो ड्राफ्ट वर्जन बिल का भी सर्कुलेट हुआ है बिल का अभी ड्राफ्ट वर्जन है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वुड बी एबल टू प्रोवाइड मोर एज क्लासिफिकेशन फॉर सर्टिफाइंग फिल्म तो ये तीन कैटेगरी है अभी यू मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन यू ए मतलब फिल्म दैट कैन बी व्यूड बाय माइनर्स विद एडल्ट सुपरविजन ए मतलब फिल्म दैट कैन बी व्यूड बाय तो तीन कैटेगरी है 2021 का जो ड्राफ्ट बिल है उसमें यू ए सेवन थर्टीन सिक्सटीन ये नई कैटेगरीज आएंगी सो so, दिस इज अबाउट फिल्म रेटिंग्स सेंटर आस स्टेट्स टू एनफोर्स न्यू रूल्स टू चेक स्ट्रे डॉग नंबर सी मैं आपको बहुत सारी जो चीजें बताता हूं ना जो व्यू पॉइंट बताता हूँ वो कई बार वेल अहेड ऑफ टाइम रहता है बहुत सारी न्यूज़ जो ब्रेक नहीं हुई है अभी डिस्कशन पे है डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट एचलीओनस ऑफ गवर्नमेंट पे आई ट्राई टू तो टेल दोज थिंग्स फॉर एग्जांपल यूक्रेन क्राइसिस में भी मैंने आपको बताया था इसका फ्यूचर प्रोबेबली किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये वॉर सिमिलरली स्ट्रे डॉग्स का भी मैं आपको डे वन से बता रहा हूं इट इज़ नॉट लाइक कि हम स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट डॉग्स हमारे बहुत लॉयल और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वी लव डॉग्स। बट द पॉइंट इज अगर डॉग रिलेटेड अगर जो अभी न्यूज आया कैजीज हो रहा है डॉग बाइट हो रहा है रेबीज हो रहा है डेथ हो रहा है बच्चे इन्वॉल्व हैं देन वी हैव टू टेक एन एक्शन सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेसिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन ने बताया एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रिपेयर बाय एनिमल हजबेंड्री मिनिस्ट्री अभी रिसेंटली ऐसा डेटा आने वाला है अभी इस पर डिसीजन चल रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने भी बताया कि रूल्स होंगे हमें भी नहीं चाहिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 तो है बट हमें ह्यूमैन प्रोसीजर होना चाहिए ताकि हम स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर पाए सर्जरीज या फिर ऑपरेशन से इट विल नॉट बी अ अलिटी सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द लोकल अथॉरिटीज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे एनिमल्स दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वॉयलेशन इन एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और ये डॉग ऑनर होते हैं इधर भी जिम्मेदारी सेट होगी आप अपने डॉग ऑनर आपका डॉग है आप उसको घुमाने ले जा रहे हो पार्क में अगर डॉग ने पार्क में डॉग ने अगर पोटी किया तो उस पर ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लीन करना अगर आपके डॉग ने किसी को बाइट कर दिया तो ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे उसका ट्रीटमेंट कराना ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉग्स को प्रॉपर इंजेक्शन प्रॉपर वैक्सीनेशन एंटी रेबीज इंजेक्शन मेडिसिन प्रॉपरली टाइम पे उसे फीड भी करना है ये वन ऑफ चीज नहीं होनी चाहिए फॉर सोशल मीडिया एट्सेट्रा कि वी बिकम डॉग लवर इफ यू आर अ डॉग लवर तो ये लेटर इन स्पिरिट में भी हमें इम्प्लीमेंट करना है इट शुड नॉट बी अ वंस इन अ वाइल्ड थिंग सो ये है नए रूल्स टू चेक स्ट्रे डॉग्स नंबर स्ट्रे डॉग नंबर सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एंड दिस इज नेक्स्ट पेज एक्सपोर्ट पैनल कैन डिसाइड साइट अदर देन पराम्बिकुलम फॉर रीलोकेटिंग अरिको अम्पन

एट टाइम्स बुक की होता है हॉरर स्टोरीज में भी इन्वॉल्व होते हैं नॉक्टर्नल भी होते हैं सो द पॉइंट इज़ इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स हैं उसको दूर करने की बात है क्रिएटिव अवेयरनेस डाइवर्सिटी इकोसिस्टम फंक्शंस एक्सेट्रा तो बैट फॉर बैट्स कैंपेन अभी चल रहा है ऑल दो बैट्स एक बहुत बड़े रिजर्वायर हैं बहुत सारी डिसीजेज होती है जो बैट्स के थ्रू होती है जूनॉटिक डिसजेस बट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जैसे हैबिटेट लॉस पोचिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज बायोलॉजिकल इन्वेजन बैट्स की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुआ है तो ये एक स्टडी होगा और लोगों को बैट्स के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाएगी तो सलीम अलीस फ्रूट बैट है द ओनली एंडेंजर्ड बैट स्पीशीज इन केरला सलीम अली साहब का बहुत बड़ा नाम है और इंथोलॉजिस्ट सो इंडियन फ्रूट बैट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इसमें मैप होगा कंजर्व होगा इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का भी ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट हम बोला जा सकता है सो दिस इज केरला का इंस्टीट्यूट स्ट्राइव टू डिस्पेल मिथ्स देन दिस इज दिस न्यूज द कास्ट इम्परेटिव ओल्ड फ्रेंड्स यहाँ पे बात है इंडिया एंड रशिया इंडिया एंड रशिया सो इंडिया एंड रशिया नॉर्मलाइजेशन करना है अभी रशिया के डेपी प्राइम मिनिस्टर की विजिट में भी बताया हुआ ये बात हुई कि ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कल्चर कोऑपरेशन हमें आगे बढ़ाना है बायोलेट्रल ट्रेड जो है उसको ऑल दो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है बट इसको और फर्दर इम्प्रूव करने का स्कोप है हमारे पास अभी हम नेशनल करेंसीज में भी हम बात कर रहे हैं वॉस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट है रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन की बात है कि हम रशियन ऑयल है उसका पेमेंट क्यों ना रुपी से कर दें कॉम्प्लाइंस का इशू आता है वेस्टर्न सेंक्शंस का भी इशू है बट इंडिया एंड रशिया के टाइज अभी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही रहेंगे यूक्रेन इशू जल्दी रिजोल्व होगा तो ये बेहतर है चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप भी बढ़ रही है तो द पॉइंट इज इंडिया और रशिया की एक यूनिक रिलेशनशिप रहा है ओवर 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 द सो सो मेनी मेनी इयर्स इसको और फ्रूटफुल करने की जरूरत है तो इट इज हार्डर टू एक्सप्लेन इज दैट नो पब्लिक कमेंट वाज मेड बाय एनी इंडियन लीडर ड्यूरिंग एनी ऑफ दिस मीटिंग ओरिजिनल रीजन करंट टर्मोल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में इम्पैक्ट्स में बट जो डिसीजन है कि जो रशिया पे जो चार्जेस लग रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के उसमें इंडिया और रशिया के रिलेशंस को सेपरेट रखने की बात है देन दिस इज इंडिया यूएई ए कॉपरेशन टू शो रीजनल फूड सिक्योरिटी अगेन यूएई बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस है तो यूएई के साथ हम टाइज बढ़ा रहे हैं सप्लाई चेन क्राइसिस को दूर कर रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर इंडिया वर्ल्ड का है और यू को हम फूड सिक्योरिटी फूड सप्लाई भी देते हैं तो मेनी कैपेबिलिटीज हैं इंडिया के पास हम एग्री एक्सपोर्ट के पावर हाउस है फूड प्रोसेसिंग एक वर्ड होता है फूड प्रोसेसिंग वट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड फूड प्रोसेसिंग तो फेवरेबल क्लाइमेट है ग्रोइंग फूड प्रोडक्शन है प्रोसेसिंग सेक्टर है इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन है ह्यूमैनिटेरियन प्रोवाइडर ऑफ फूड टू डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं हम डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं अवेयरनेस रीजनल ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए बजटरी आउटले भी है फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक किया जा रहा है फूड सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए हमारे लॉन्ग सस्टेन्ड हमारी पॉलिसीज भी है सो द पॉइंट इज कि हमें पोषण अभियान है जैसे पोषण अभियान में हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ ही साथ न्यूट्रिशन को भी हम फोकस कर रहे हैं जी ट्वेंटी में भी इंडिया ने फूड को एक हाईलाइट रखा है मिलेट्स को एनकरेज किया जा रहा है न्यूट्रिय न्यूट्रिशियस ड्रॉट रेजिस्टेंट सस्टेनेबल क्रॉप्स की बात है सो द पॉइंट इज इंडिया का ट्रेडिशनली फूड सेक्टर में एग्रीकल्चर में एक स्ट्रांग होल्ड है जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी में तीन सीज एड्रेस करना है कोविड कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट कोविड कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट तो यूएई का क्या रोल हो सकता है इनक्रेडिबल वेल्थ है फूड सेक्टर एक्सपीरियंस इंडिया ला रहा है तो यूएई ने जिस तरीके से खुद को डायवर्सिफाई किया है फाइनेंस में और यूए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल हब भी बन गया है तो ये टाइस से हमें काफी बेनिफिट होगा आई टू यू टू है इंडिया इसराइल यूएस है समिट हुआ था यू ने दो बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है फूड पार्क इन इंडिया में और फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर में भी सेपा में भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी लॉजिस्टिक्स में भी फूड वैल्यू चेन में भी सो द पॉइंट इज दिस इज रियली रियली नाइस तो ये कॉरिडोर होगा इससे इंडिया यूएई के टाइज तो बढ़ेंगे ही और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा फूड सिक्योरिटी भी तो गो बियॉन्ड मेंटेनिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स फूड रिजर्व ट्रेड लिंकेजेस इन सबकी बात है तो ये कॉरिडोर रहेगा दुबई का मल्टी मल्टीकोमोडिटी सेंटर भी है दुबई के जो मार्केट है वो इंडिया के लिए बेटर एक्सेसिबल होगा फूड प्रोसेस जो है उसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे मेगा फूड पार्क लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस फ्रूट्स वेजिटेबल्स इट्स इट्स इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल सो इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट और इसमें इंडिया को पुश करना चाहिए हम ग्लोबल डायरेक्शन को भी पुश करें इंडियन वैल्यूज इंडियन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और बायोलेट्रल रिलेशन को भी आगे बढ़ाएं तो दिस इज रीजनल फूड फूड सिक्योरिटी दैन दिस इज वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इंडिया है बट यहाँ पर एक ड्राई पैच आ गया उसके बहुत सारे रीजनज हैं इनपुट कॉस्ट बढ़ गई डिसीजेज जैसे एक लंपी डिसीज हुआ था वॉट इज दिस लंपी डिसीज पैथोजन क्या है किस एरिया में हुआ था कौन से कैटल्स इम्पैक्ट हुए थे आंसर लंपी डिसीज सो फूड प्रोडक्शन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हुआ है प्राइस ऑफ अक्स न्यूज सेटलमेंट यहाँ पे स्टार प्लान रेडियो सिग्नल सी एक होता है और एक होता है पूरा स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से होता है जब हम बहुत दूर से रेडियो सिग्नल्स अगर हमें मिल रहे हैं सो दिस इज पॉसिबिलिटी की एक बहुत डिस्टेंट पे कोई एक्जो प्लानट है लाइक like दैट तो हमें बहुत दूर से एस्ट्रोनोम को रेडियो सिग्नल्स मिले हैं जो बारह लाइटर अवे है और इन रेडियो सिग्नल्स में हमें बारह लाइट ईयर अवे एक स्मॉल रेड स्टार मिला है और ये प्लान का मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ एक्जो प्लान भी हो सकता है अभी लेटेस्ट थी यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स मिले देन सेंसिटिविटी रीडर्स लुकिंग एट ओल्ड बुक थ्रू अ मॉडर्न लाइन और ये नो योर इंग्लिश है हाउ कम यू आर नॉट एट स्कूल टूडे एंड वाई आर एंट यू एट स्कूल टूडे दोनों डिफरेंट चीज होता है हाउ कम में आप लाइक like, पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ वाई

इंग्लिश इज अ फनी हम प्योर इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे ये जो एस है अब आपका होमवर्क है वर्ल्ड में डिफरेंट जितने भी डेजर्ट हैं जैसे कि कोल्ड डेजर्ट हुआ या फिर वार्मेजर्ट इनके आप एग्जाम्पल्स बताइए कोल्ड एंड वार्म दोनों ओके okay. जितने भी ये होते हैं जैसे इंडिया में कौन सा है थार है थार का मरुस्थल है इंडिया में ऐसे जितने भी वर्ड के वार्म और कोल्ड डेजर्ट्स है इनके नाम बताइए देन इसका एक और वर्ड यूज हो सकता है छोड़ के जाना अबैंडन करना अबेंडन करना ओके देन सो दिस इज इंग्लिश और इसके बाद इंडिजिनाइज है इंडिजिनाइजेशन है मतलब लोकलाइजेशन किया जा रहा है अडेप्ट किया जा रहा है नेटिव कल्चर इन्फ्लुएंस है मॉडिफाई करना मतलब जेंटल कॉन्सोलिडेट करना पैसिफाई करना दैट इज कॉल्ड मॉडिफाई मॉडिफाई सो ये है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट दिस इज नेक्स्ट पेज डिस्कसिंग एमओयू विद इंडिया फॉर ट्रेनिंग कोऑपरेशन ऑन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूके के सीडीएस ने बताया यूनाइटेड किंगडम डिफेंस टेक्नोलॉजी टाइज और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बताया डिसमेंट डीएसकेलेन प्रोसेस ओवर लद्दाख स्टैंड ऑफ टू कंटिन्यू सो so, इंडिया अभी भी चाहता है डिप्लोमेटिकली और टॉक्स के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड हो मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए देन दिस इज यूनियन कैबिनेट ने क्वांटम मिशन के लिए छह करोड़ रुपए निकाले हैं ये नेशनल क्वांटम मिशन है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा क्वांटम कॉम्प्यूटिंग का और एप्लीकेशन का तो रिलायबल क्लास ऑफ कंप्यूटर्स बनाना है यहाँ पे और क्यूबिट्स क्वांटम बिट्स इन सब पे वर्क होगा जैसे बिट्स होते हैं वन एंड जीरो ये बेसिक यूनिट होती है कंप्यूटर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन की क्यूबिट्स होती है क्वांटम बिट्स ये यूनिट ऑफ प्रोसेस बाय क्वांटम कंप्यूटर्स होता है हम एटोमिक स्केल एटम लेवल पे यहाँ पे जा रहे हैं है ना सो दिस इज एटोमिक एटोमिक क्वांटम तो हम अभी क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं नेविगेशन में भी आ रहा है और इस पे अभी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ेंगे तो थीमेटिक हब्स बनेंगे रिसर्च डेवलपमेंट होगा फ्लाइंग बैन ऑन अनरूली पैसेंजर्स शुड बी लेफ्ट टू एयरलाइज देन एफ रेगुलेट करेगा प्रोसेस्ड फूड को सूडान फॉक्स न्यूज किएव पैट्रियॉट मिसाइल पैट्रियोट मिसाइल इज बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन श्रीलंका स्लैम प्लान टू एक्सपोर्ट मंकी टू चाइना तो मंकी एक्सपोर्ट टू चाइना की बात थी श्रीलंका से चाइना मंकी का एक्सपोर्ट ऐसी एक बार गधे भी एक्सपोर्ट हुए थे फ्रॉम पाकिस्तान सो कंजर्वेशनिस्ट इन श्रीलंका स्लैम प्लान टू एक्सपोर्ट मंकी टू चाइना होम लोन एनक्वायरी स्लो है यूथ सीक अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो जैगुआ लैंड रोवर है इट इज ओन बाय टाटा और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे प्राइस कट्स फेल टू प्राइम नेटफ्लिक्स इनकम सी देखो क्या होता है हर चीज का एक कॉस्ट होता है हम बहुत सारी चीज़ें अगर हम अगर उसको पे नहीं करते हैं अगर हम पे नहीं करते हैं सब्सक्रिप्शन की बात हुई या फिर हम कोई सर्विस ले रहे हैं तो एट टाइम्स वहाँ पे कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाती अब जैसे नेटफ्लिक्स है अमेजोन है इसमें बहुत सारे साइडवेज के थ्रू अगर वी आर वाचिंग दीज वीडियोज़ बट वी आर नॉट पेइंग फॉर देम तो दे हैव गॉट डीप पॉकेट्स दे कैन सम हाउ मैनेज सिमिलरली जैसे सृजन इंडिया वन में भी वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ गुड विल आउट ऑफ गुड विल आई एम प्रोवाइडिंग यू सो मच ऑफ कॉन्टेंट दिस इज आउट ऑफ गुड विल अगर आपको इन सबसे बेनिफिट हो रहा है तो प्रॉपरली ज्वाइन द कोर्स प्रॉपर्ली ज्वाइन द कोर्स प्रिलिम्स कोर्स है इसमें सारा सिलेबस कवर्ड है और वन टू वन सेशन देन रिविजन बैच है सुबह ग्यारह बजे क्लास चल रही है और फिर एक है एम सी क्यू टेस्ट सीरीज क्लासेज इसके अलावा न्यूज पेपर टेलीग्राम नोट्स पीडीएफ वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स और इन सब का एक अच्छा खासा कॉस्ट भी आता है इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है सो so कीनेबल अगर आपको इनसे बेनिफिट मिल रहा है तो प्रॉपर्टी ज्वाइन द कोर्स द फी इज वेरी वेरी अफोर्डेबल नॉमिनल इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल विजिट दिस वेबसाइट ये है यू पी आई क्यू आर कोड टू पे फी दीज आर द्री कोर्सेज और यहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन बटन से यू कैन मेक सर्टन कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल अदरवाइज जो इकोनॉमिक इकोनमिकटी होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है रेमंड टू ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड यहाँ पे थ्री बिग सिटीज है स्टील पी एल आई स्कीम है बिकॉज यू नो हमारे साथ वैल्यूज एंड एथिक्स भी एसोसिएटेड है एजुकेशन एजुकेशन ही होना चाहिए स्टूडेंट्स आर नॉट

जैसा है जितना है आप आंसर लिखो आप सिंपल सिंपल आंसर्स भी लिखोगे आपका मेंस बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा यू 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 डोंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा आंसर्स ओके जस्ट डू द सिंपल थिंग्स एंड विल सो दीज वर टू क्वेश्चन झारखंड एंड ओडिशा की जियोग्राफी और राइनोज ऑफ इंडिया पे नोट बनाना था बहुत आसान था राइनोज बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम्स प्रलिम्स में सवाल आया है इंडियन राइनो विजन हो गया ये सारे इंडियन राइनो विजन इंडियन राइनो की लोकेशन इंडियन राइनो के रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स अभी ट्रांसलोकेशन की भी बात चल रही है सो so दिस इज राइनो झारखंड एंड उड़ीसा भी बहुत ब्लेस्ड है माइंस मिनरल्स ट्राइबल्स झारखंड उड़ीसा आर वेरी इंपॉर्टेंट तो इनकी लोकेशन देखना था हमें जोग्राफी देखना था वेरी गुड तो झारखंड एंड उड़ीसा लोकेशन माउंटेन्स रिवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे करके हम सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं वन बाय वन नेहा दिस इज रियली रियली गुड बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी ये आपने झारखंड बताया देखो ये सारी चीजें देख ली स्टेट एनिमल कैपिटल फ्लाट देन चाइना देन दिस उड़ीसा हो गया इसके बारे में भी हमने सब जान लिया फेंटेस्टिंग नेहा दिस इज गुड राइनोस के बारे में बताया आपने इंडियन राइनोस से रिलेटेड प्रोविजन सी योर योर राइटिंग इज रियली रियली गुड बहुत अच्छी कॉपी है पुष्पेंद्र बहुत अच्छे से हिंदी में लिख रहा है झारखंड के बारे में बताया देखो ये सारे आपको याद हो गए पलामू हजारीबाग वेरी नाइस nice। उड़ीसा के बारे में भी हमें ये सारे याद हो गए आर्द्र भूमि कहाँ पर है और उसकी बेसिक ज्योग्राफी देन हमने राइनो के बारे में भी लिखा एक्सिलेंट वेरी गुड रश्मि दिस इज गुड ये डिस्ट्रिक्ट मैप है झारखंड का एंड दिस इज वेरी नाइस ये फैक्ट्स हैं ये हैं वेरी गुड राइनोज के बारे में भी बहुत अच्छे से आपने नोट तैयार किया एक्सिलेंट तो सी लिखना इट्स सो गुड इट इज सो गुड ऑल राइट सो इसी तरीके से आंसर राइटिंग करना है एंड बी रेगुलर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ